प्रयागराज के कोराब थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव के युवक की मौत से लोग आक्रोशित हो उठे हैं। दोपहर सब को रखकर रास्ता जाम कर दिया। समझाने पहुंची पुलिस को लोगों ने ईंट पत्थर फेंकते हुए दौड़ा लिया। इस दौरान सीओ समेत कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। उनके समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने भागकर गांव में घरों में घुसकर अपनी जान बचाई। बाद में भारी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों के आक्रोशित को शांत करने के लिए सीओ एसओ को पुलिसकर्मी पहुंचे थे। हमारे भाई का यहाँ मर्डर कर दिया गया, तमाम चीजें। क्या घटना घटी है और कैसे क्या हुआ है? अरे हमारा भाई कोराव से गांव जा रहा था, उसके रास्ते में रोक के और यहाँ बब्बू पाड़े वगैरह जो लड़के ने मारा है। हमें चाहते हैं कि यहाँ का एसओ का तबादला हो और कार्रवाई होनी चाहिए। जो किसने चक्का जाम किए हैं? और हमारे भाई को मारा गया। अच्छा, किस वजह से मारा गया है? कोई हम लोग तो थे नहीं साथ में जी। वो कोराव से घर जा रहे थे, उन्होंने तनाव में वो दुकान पे कुछ सामान ले रहे थे, वहीं पकड़ के मारे हैं जी। अच्छा, ये कहाँ पे मारा पीटा गया? वो तनाव में। अच्छा, एफआईआर दर्ज किया गया था तुरंत? इसको नहीं दर्ज कर रहा है भाई, पैसा रखाया है, एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है जी। और इसका तबादला हो और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो इस पर। आपका नाम क्या है? चंद्र। कौन सी एफआईआर दर्ज की गई है? कुछ नहीं किया है, एफआईआर किया ही नहीं है। क्या घटना घटी है? परसों की घटना है हमारे गांव से सिमरिया की। अमरनाथ के लड़के हैं पिंटू, तराव से घर जा रहे थे। तराव मंडी के पास ब्लैक वाली रोड पर कुछ लोगों द्वारा तीन चार लोग मिलकर उनको जबरी मारे और उसके बाद उनको भर्ती कराया गया। आज उनकी मृत्यु हो गई और कुरान इंस्पेक्टर द्वारा धारा 523 और 506 लगाया गया है, जो कि वाजिब नहीं है। सुसंगत धाराओं में अच्छी धाराएं लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चक्का चाहिए। चक्का जाम किस लिए किया गया? चक्का जाम किया गया है इसलिए कि परिवार गरीब है, इसको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए और लोगों को जो कि दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी से क्या मांग रहे हैं? यहाँ जो खड़े हैं सबसे क्या मांग रहे हैं? उनसे हमारी मांग ये है कि सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कठोर, और ये जो गरीब परिवार है इसको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए और इंस्पेक्टर कुराओं का यहाँ से तुरंत तबादला कराया जाए, यही हम लोगों की मांग है। क्या नाम है? हमारा नाम है विजय बहादुर सिंह डोगरी।